अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं और ख़ासकर ट्विटर चलाते हैं, तो जैसे ही आप आज की तारीख में ट्विटर चलाएंगे तो उसमें सबसे ऊपर आपको जो चीज़ दिखाई देगी वो होगा एक सोशल मीडिया ट्रेंड, जो है कि राजपूतों को दादरी चलने का आह्वान कर रहा है और कह रहा है कि 22 तारीख यानी कि कल को सभी राजपूतों को दादरी चलना है। अब दादरी क्यों चलना है? बात यह है कि अचानक से ऐसा दादरी में क्या हो गया कि राजपूत एक दूसरे से दादरी चलने का आह्वान कर रहे हैं? दरअसल में इसका कारण बना है 9वीं शताब्दी के रूलर रहे राजा मिहिर भोज की प्रतिमा। राजा मिहिर भोज की प्रतिमा बनी है दादरी में और उसका अनावरण करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किसी हिंदू राजा की प्रतिमा का अनावरण होगा, जाहिर सी बात है इससे हिंदू में किसी भी कास्ट के लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बात दूसरी है, यहाँ पे मुद्दा दूसरा है। राजपूतों का आरोप है कि राजा मिहिर भोज की कास्ट बदलने की तैयारी कर रही है और अगर सरकार ऐसा करेगी तो राजपूत सरकार का विद्रोह करेंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं राजस्थान में भी करेंगे और जहाँ जहाँ भी राजपूत है वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। दरअसल में राजपूतों का कहना है कि राजा मिहिर भोज गुज्जर थे, उनका गोत्र प्रतिहार था और प्रतिहार थे वो, और प्रतिहार होते हैं राजपूत। वहीं सरकार जिस प्रतिमा का अनावरण करने जा रही है उसमें राजा मिहिर भोज को गुज्जर समाज से बताया गया है और राजा मिहिर भोज गुज्जर लिखा है। और जो ये प्रतिमा का अनावरण है वहाँ पर स्थानीय विधायक भी होंगे जो खुद गुज्जर हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट रहा है और राजपूत समाज कह रहा है कि अगर उनकी जाति के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार प्रतिमा का अनावरण करे अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी और जाति का नाम लिखा तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरे देश में विद्रोह किया जाएगा और सरकार को इसके कॉन्सिक्वेंस भुगतने होंगे आगामी विधानसभा चुनाव में भी और कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव होंगे। या तो केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और प्रदेश सरकार को ऐसा करने से रोके, वरना हर राज्य में भाजपा का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं राजपूत समाज कह रहा है कि 22 सितंबर तय कर देगा उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज किसका समर्थन करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।